चीकू को लगी थी भूख और भैया बना कर दिया आज मैगी। हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सोनी मिश्रा ब्लॉग्स। नए ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो गाइस, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, जब से मैं ट्रिप से आई हूँ इतना सारा काम हो गया है कि पूछो मत। तो अभी मैं रात को, अभी बज रहे हैं 7, तो 7 बज रहे हैं, तो मैंने अभी खाना डिनर का आज प्लानिंग नहीं था कुछ भी। मिश्रा जी बोले कि मैं नहीं खाऊंगा इस समय, कुछ भी नहीं खाऊंगा, तो मैं कुछ हल्का फुल्का बनाना चाहिए, तो मैं दलिया बना रही हूँ अभी रात में। कभी कभी हल्का भोजन भी करना चाहिए, तो मैं अभी रात को दलिया उधर किचन में मैं चढ़ा कर आ गई हूँ गैस पे, और सोची कि और बाकी का समय का मैं सदुपयोग कर लूँ। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं कितना सारा कपड़ा धोई हूँ, और धोने के बाद उसको करके फोल्ड करके रखना है। तो अब कुछ कुछ जो सामान था वो सूटकेस में बंद था, जो कि मैं पहले वीडियो में ही आपको बताई हूँ कि हम अपने घर में जाने वाले हैं, तो ज़्यादातर मेरा सामान जो है वो पैकिंग करके रखा हुआ है। उधर देखिए आप, कार्टून में, थैला में, सूटकेस में, ऐसे पैकिंग करके मैं रखी हूँ। तो अभी क्या करना है, अभी मैं गई थी ट्रिप पे, तो क्या की कि सूटकेस लेकर गई थी ना, तो सूटकेस में पहले से मैं सामान भर के, मिश्रा जी का कपड़ा भर के रखी थी, तो जाने के टाइम उसको मैं निकाल दी। अब वापस से उस सामान को सूटकेस में डालना है, तो अभी मैं उस सूटकेस में भर दूंगी और बाकी का जो कपड़ा है वो फोल्ड कर लेती हूँ। आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। ये मैंने सूटकेस निकाल लिया है और अब इसमें ही ये जो सारा कपड़ा है इसे रखना है, तो मैं इसे सरिया लेती हूँ। तो ये मैंने सूटकेस में सारे कपड़े को पैक कर दिया है। मेरा कपड़ा फोल्ड करने का जो तरीका है ना, सबसे पहले क्या करती हूँ, दोनों बच्चों का कपड़ा मैं पहले अलग छांट देती हूँ, जो बच्चों का है वो वार्डरोब अलग बना हुआ है और हम दोनों का एक साथ में आता है, तो इसलिए पहले बच्चों का मैं साइड कर देती हूँ, फिर मुझे आसानी हो जाती है हम दोनों के कपड़ा सेट करने में। ठीक हो जाएगा गाइस, ये मेरा कपड़ा जो है वो फोल्ड हो चुका है। तो गाइस, सारा कपड़ा जो है वो फोल्ड हो गया है, हम लोग का भी और बच्चों का भी पूरा फोल्ड हो गया है। और अब मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ, दिखाऊंगी, बताने नहीं वाली हूँ। तो ये जो कुरियर आया है, ये आया है मीशो से, और मिश्रा जी मेरे को बिना बताए हुए ही बुक कर दिए थे। मेरे बर्थडे पे सरप्राइज था, पर बर्थडे के बाद ये आया, और आने के बाद की भी कहानी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मीशो वाला पता नहीं क्या करता है, कैसा भेजता है, मुझे कुछ आइडिया नहीं आता है। तो ये नाइटी मंगवाए थे मिश्रा जी, ये आप बता सकते हैं कि कौन से एंगल से एक्सल साइज का है? ये देख लो, ये बिल्कुल बच्चों जैसा है, ये एम साइज, हाँ एम साइज का हो जाएगा। अब इतना सही आप बता सकते हो कि ये कौन से एंगल से एक्सल है, और मुझे कहाँ होगा ये? आपको एल मंगवाना चाहिए था ना। ये तो इनर जो है ये छोटा है, बाकी का ये ऊपर वाला जो है ये तो सही है, जो अंदर का इनर दिया है ना वो बहुत छोटा दिया है, ये हो जाएगा, ये सही है। तो मैं इसको वापस कर दी हूँ, वापस किए हुए 2 से 3 दिन हो गया है, पर फिर भी अभी कोई इसका अता पता नहीं है, कुछ भी लेकर जाने के लिए इसका पता नहीं। मीशो से मेरा शॉपिंग तो ये सेकेंड थर्ड टाइम हो रहा है, लेकिन जो वापस का रिटर्निंग जो है वो फर्स्ट टाइम है, तो इसका मुझे आइडिया भी नहीं है कि पता नहीं कैसे आएगा, कब आएगा, कितने दिनों में आएगा, वो मुझे नहीं मालूम है। ऐसे मैं ज्यादातर फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करती हूँ तो उसका मैं जानती हूँ, लेकिन ये मीशो का मुझे नहीं पता है। तो अभी 3 दिन हो गया है, 4 दिन तो नहीं हुआ है, 3 दिन हो गया है, और 3 दिन में इसका कोई पता नहीं है लेकर जाने का।
जो पर्दा था वो हम लोग यहाँ पर फिक्स कर देंगे। और उसके पहले हुआ क्या है कि ये पर्दा पहले से वहां पे लगा हुआ था और ये चूहा काट चूहा दिया काट है। दिया इतना। एक ही चूहा आया था घर में घुसा था और वो ये इतना बर्बादी करके गया है। और इसके साथ में टीवी का वायर भी काट दिया है। आगे चल के आपको दिखाएंगे वो भी। तो अभी ये पर्दा मैं उसमें लगा देती हूँ, कृष्णा टीवी पकड़ने में हेल्प कराएगा और मैं पर्दा लगाऊंगी। और ये जो पर्दा था मेरा सेट का पर्दा था, सेम विंडो का भी है और डोर का भी, दोनों का पर्दा मेरा सेट था और एक खराब हो गया। तो चलिए ये लगा देते हैं। अब रखाने जा रहा है, यो टीवी रखा गया। सो गाइस हमने पर्दा तो लगा दिया है और इसके नीचे मैं पूजा का सामान रखती हूँ। तो वो दिख रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसमें डोर नहीं लगा हुआ है तो इसलिए मैंने इस पे पर्दा डाल दिया था। और इसके पहले ही पर्दा डाला हुआ था तो वो चूहा कट कर दिया था। और क्या हुआ कि मैं उसको धोने के लिए जब निकाली तो देखी कि ये कट कर दिया है, फिर भी उसको वापस में धोकर ऐसे ही लगा दी हूँ। वो जो कट किया हुआ था वो फोल्ड हो गया, दिख तो नहीं रहा है। कहीं से काटा था मामा, दिख नहीं रहा है। ये काटा, हाँ ये वाला देख सकते हैं, इसका हालत कट चुका है पूरा। चूहा से कहाँ घुसा था चूहा? यहाँ लाइन मारा क्या? ये वाला इधर से ओपन ही है। इसमें ये वाला, ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है, इसका प्लग नहीं है उसमें। तो उसमें के अंदर चूहा जाता है, बैठता है और उसके बाद उसके कट करता है। तो हमने यह चूहा को कल तो निकाल दिया है, कैसे भी एक ही था वो निकल गया है। तो गाइज आज के डिनर में मम्मा ने बनाए हैं दलिया, उसके ऊपर से चटनी, चटनी के ऊपर उसके नीचे से पहले क्या डाले थे, घी, घी के ऊपर से नींबू, नींबू के ऊपर से चटनी। तो आज का डिनर यही है गाइस। सबसे नीचे में दलिया था, फिर जाके घी, फिर जाके नींबू, फिर जाके चटनी। तो आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।